नवाज शरीफ की हुकूमत में पेट्रोल 70 रुपए लीटर था, जो अब 190 रुपए होने की पेशगोई है, मगर बस आपने घबराना नहीं। तो आपने घबराना नहीं है। चीनी जो 50 रुपए किलो थी 120 तक जा पहुंची, मगर बस आपने घबराना नहीं। घबराना नहीं आपने। 5 रुपए वाली रोटी 15 और कहीं 20 रुपए की हो चुकी, मगर आपने घबराना नहीं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। 11 रुपए वाला बिजली का एक यूनिट 26 रुपए का हो चुका, मगर बस आपने घबराना नहीं। तो आपने घबराना नहीं है। कुकिंग ऑयल 140 से 340 तक जा पहुंचा, मटन बीफ मुर्गी के बाद सब्जियां भी पहुंच से दूर हो चुकी। गरीब पिस गया, मिडिल क्लास खत्म होकर लोअर क्लास में तब्दील हो गई, मगर बस आपने घबराना नहीं। आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपका वजीर आजम ना सिर्फ स्मार्ट है बल्कि दुनिया में कहीं भी जाता है तो बगैर लिखी तकरीर करता है। ईमानदारी दयानतदारी बला की, हाथ में तस्बीह नमाजों का पाबंद, साकिब निसार जैसे चीफ जस्टिस से सादिको अमीन की सनद याफ्ता, खुद कभी एक रुपए की करप्शन नहीं की, मगर क्या मुशीर क्या वजीर क्या दाएं और क्या बाएं, अक्सरियत करप्शन में अटी हुई, स्कैंडल से भरी हुई, मगर कौम इत्मीनान रखे, क्योंकि इन सब चोरों पर सरदार जिसे तैनात किया गया वो खुद ईमानदार है। तो आपने घबराना नहीं है। बस हुकूमत करना है, मजबूरी है, दाएं बाएं वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, मगर घबराइए मत, आपका वजीर आजम है बड़ा स्मार्ट। सीरत कॉन्फ्रेंस हो, किसी की मैयत, गमी खुशी की कोई तकरीर, नवाज शरीफ को बुरा भला जरूर कहता है, क्योंकि इमरान खान करप्ट लोगों को अपने करीब भी नहीं भटकने देता। कारकर्दगी छोड़िए, ये सब कुछ पुरानी हुकूमतों का किया धरा है, यही है मंशूर, यही है कारकर्दगी, और डट के खड़ा है मेरा कप्तान।